जाना सब लोग कल शाम हुई थी। इफ पी स्टार इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी, अगर पी स्टार किसी दिए गए पार्टीशन पी का रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट का मतलब कि पी स्टार के पास कम से कम एक एक्स्ट्रा पॉइंट मौजूद होगा, जिससे अदर देन पी जितने पी के पास है वो सारे के सारे पी स्टार के पास होंगे, लेकिन पी स्टार के पास कम से कम एक पॉइंट एक्स्ट्रा और होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो किसी बाउंडेड फंक्शन एफ के लिए पी स्टार के लिए बना हुआ डरबॉक्स का लोअर सम P के लिए बने हुए लोअर सम से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और सेम कंडीशन रिफाइनमेंट के लिए बना हुआ अपर सम जो होगा वो विदाउट रिफाइनमेंट वाले अपर सम से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। यानी लोअर सम की बात करें तो लोअर सम इंक्रीज करेगा रिफाइनमेंट के लिए, और अपर सम की बात करें तो अपर सम डिक्रीज करेगा। और ये एक्चुअल में भी यही है, याद और मान लो ये एक्चुअल एरिया है, मान लीजिए आपका एक्चुअल एस्टीमेट है, ठीक। तो लोअर सम क्या कर रहा है, लोअर सम धीमे धीमे बढ़ते 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 एक्चुअल के नजदीक पहुंच रहा है, और अपर सम धीमे धीमे घटते 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 एक्चुअल के नजदीक पहुंच रहा है। आपको पता है कि जब आप नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ा रहे होते हो तो आपका अप्रोक्सीमेशन और ज्यादा एक्यूरेट हो रहा होता है, जितने ज्यादा पॉइंट बढ़ेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। तो जब हम पी के लिए बात करेंगे, मान लो पी के लिए यहाँ पर मुझको मिल गया कौन एलपीएफ मान लिया, और यहाँ पर मुझको मिल गया कौन यूपीएफ। तो जब हम पार्टीशन में पॉइंट की संख्या को बढ़ा देंगे, मतलब पार्टीशन क्या कर दिया मैंने, पी स्टार कर दिया, तो पी स्टार किया तो रिजल्ट और एक्यूरेट होगा, और एक्यूरेट का मतलब लोअर सम और इंक्रीज करेगा, ठीक, और अपर सम और डिक्रीज करेगा। ये तो आपका जो यू पी स्टार एफ होता है वो आपके अपर सम यू पी एफ से या तो छोटा होगा और या तो बराबर होगा, क्लियर हुआ। और लोअर सम में यही बात उल्टी होती है, लोअर सम इंक्रीज करेगा और अपर सम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, किसके लिए, रिफाइनमेंट के लिए, क्लियर हुआ। चलो प्रूफ करते हैं इसको। ये बताओ अगर हम रिजल्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए दिखा दें, कि मान लिया मैंने एक पार्टीशन कैपिटल पी लिया, जब हम उसका रिफाइनमेंट पी स्टार तैयार करते हैं तो वो रिफाइनमेंट केवल और केवल एक एक्स्ट्रा पॉइंट कंटेन करता है, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट पर हम इस इनइक्वालिटी को साबित कर दें। तो जब एक पर सही है तो एक से ज्यादा पर भी सही होगा कि नहीं होगा, हम एक पर दिखा रहे चलते हैं। लिखना लेट पी स्टार, प्रूफ में लिखना प्रूफ, लेट माना पी स्टार कंटेन्स एटलीस्ट, पी स्टार कंटेन्स एटलीस्ट रखता है कम से कम एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट मोर देन पी, मोर देन पी, लेट पी स्टार कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट मोर देन पी, माना पी स्टार कम से कम एक पॉइंट रखता है जो P में मौजूद नहीं है, मोर देन P, यानी P के तो सारे रखेगा। और इस पॉइंट को हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, सपोज सपोज दैट पॉइंट इज, सपोज दैट पॉइंट इज एग्जाम्पल, माना ये पॉइंट कौन है एग्जाम्पल, नोट कर। और हम ये भी मानते हैं ये जो मेरा आईथ सब इंटरवल है वहां पर इसकी पोजीशन है, ध्यान देना इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए से लेकर के कहां तक बी तक, इसका पार्टीशन किया x0 अगला पॉइंट, x1 अगला, x2 चलते चलते xi-1 अगला, xi चलते चलते xn, क्लियर हुआ। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट आया xi ये इन्हीं के बीच में कहीं पर मौजूद होगा, कहां मौजूद होगा, तो हम मान लेते हैं जो आपका ये आईथ सब इंटरवल है, इतनी बातें जो मैंने लिखी, इतनी बातें ये मैंने लिखी पार्टीशन किसका पी का, और जब हम पी स्टार के लिए तैयार करें तो ध्यान देना पी स्टार के लिए ये पॉइंट कौन एक्स जीरो ए बराबर, अगला कौन एक्स वन ये भी है, अगला एक्स टू भी है, सो ऑन चलते चलते एक्स आई माइनस वन भी है, यहाँ एक कटआउट लगा करके क्या बना दिया एक्स आई, और अगला कौन हो गया एक्स आई, सो ऑन एक्स एन। तुम गौर करो जितने पॉइंट पी में उतने सारे पी स्टार में, लेकिन पी स्टार में एक एक्स्ट्रा पॉइंट और कौन आ गया है एक्स आई आ चुका है, क्लियर है। तो हम ये भी मान लेते हैं कि एक्स आई की पोजिशन किस में है आई सब इंटरवल में मौजूद है, क्लियर हुआ, नोट करो।
let xi is in ith sub interval ii, that is arthat xi belong to the sub interval xi minus 1 से लेकर के कहां तक xi, ये इस सब इंटरवल में बिलोंग करता है। अब गौर करना, मेरे पास जो इंटरवल है वो a से लेकर के कहां तक b तक, और a से b तक के एक हिस्से पर ये मौजूद है xi minus 1 से लेकर के कहां तक xi, और इसके बीच में हमने मान लिया कितना xi। अब सोचो यहां पर मुझको तीन सब इंटरवल मिल गए, तीन। पहला कौन सा मिला, पहला मिला xi minus 1 से लेकर के कितना xi, अगला मिला xi से लेकर के कहां तक xi, ये आपको मिले सब इंटरवल, और एक तो आपका मेन वाला हो गया xi minus 1 से लेकर के कितना xi। हाँ या ना, इतनी बातें हुई। अच्छा अब गौर करना, क्योंकि मेरा फंक्शन शुरुआत में ही दिया गया है कैसा है बाउंडेड, अगर फंक्शन इनिशियल में ही बाउंडेड दिया गया तो इसका मतलब इसके जितने पार्टीशन किए जाएंगे इसके इंटरवल के उन सभी में कैसा रहेगा बाउंडेड, तो ये इसमें भी बाउंडेड होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी। हम ये मानते हैं कि माना इसमें मेरे फंक्शन के लिए इनफीमम कौन है, इनफीमम स्मॉल एम आई, सुप्रीमम कौन है कैपिटल एम आई, इनमें हम मानते हैं माना इसमें इनफीमम कौन है डब्ल्यू वन स्मॉल डब्ल्यू वन, और सुप्रीमम कौन है कैपिटल एम वन। हाँ या ना, अच्छा इनमें आप तुम स्मॉल एम वन कैपिटल एम वन मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप इसमें मान लिया इनफीमा कौन है डब्ल्यू, मतलब फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू इनफीमा डब्ल्यू टू, अब सुप्रीमा कौन कैपिटल माना जा सकता है कि नहीं, यही शुरुआत। जगह बड़ी अच्छी है, चल लिखना। नाउ टेक, नाउ टेक तीन सब इंटरवल जो बंद है वो तीनों सब इंटरवल, नाउ टेक पहला सब इंटरवल है एक्स आई माइनस वन से लेकर के एक्स आई, ठीक। दूसरा है xi से लेकर के xi, और लास्ट मेन वाला एंड xi माइनस 1 से लेकर के xi, ये आपका मेन i। चूंकि मेरा फंक्शन क्लोज इंटरवल ab पर बाउंडेड है इसलिए क्लोज इंटरवल ab के आए हुए इन तीनों सब इंटरवल पर भी कैसा होगा बाउंडेड होगा, इसे भी लिख लो इसी समय। सिंस f(x) इज बाउंडेड, सिंस f of x is bounded on closed interval ab, so must be bounded in these three sub intervals। इसलिए ये इन लिखे गए तीन सब इंटरवल्स पर भी कैसा होगा बाउंडेड होगा। ठीक, सबसे पहले हम काम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम इनफीमा के लिए दिखाते हैं, मतलब LP स्टार F ग्रेटर देन आर इक्वल टू LP F, पहले हम ये दिखाने चल रहे हैं, और ये दिखाने चल रहे हैं सबसे पहले हम इनफीमा मान लेंगे। अगली बार हम क्या दिखाएंगे, UP स्टार F लेस देन आर इक्वल टू UP F, तब हम सुप्रीमा मानेंगे, लेकिन पहले हम इनफीमा से शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट डालना, पहले का प्रूफ करने चलते हैं, पहले नाउ फर्स्ट चल पहला दिखाने चल रहे हैं एल पी स्टार एफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल पी एफ, चाहो तो हेडिंग में डाल सकते हो ऐसे, फर्स्ट एल पी स्टार एफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल पी एफ, पता रहेगा कहां कौन सा प्रूफ कर रहे हैं, इनको प्रूफ करने चल रहे हैं। शुरू करें, ध्यान देना, जैसे एक ऐसे हाइपोथेटिकली विजुलाइज करो, तीन टुकड़े किए आई सब इंटरवल जो है
उसका लास्ट का स्टार्टिंग पॉइंट एक्स आई, एंडिंग पॉइंट एक्स आई और बीच का पॉइंट एक्स आई, ये मैंने ले लिया। टोटल इंटरवल में जो फंक्शन की इंफिमम वैल्यू है वो कितनी है, टोटल आई सब इंटरवल में फंक्शन की इंफिमम वैल्यू कितनी मान ली है, एम आई में स्मॉल एम आई स्मॉल। ये आपका पहला पार्ट हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। पहला पार्ट कौन है, एक्स आई माइनस वन से लेकर के एक्स आई, ये रहा। दूसरा पार्ट कौन हो गया, एक्स आई से लेकर के एक्स आई, ये हो गया। और तीसरा ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट ये पूरा आया ना। अच्छा, इसमें हम फंक्शन की पहले पार्ट में फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है इंफिमा ऑफ एफ उसको हम क्या मान लेते हैं, डब्ल्यू वन मान लेते हैं, और जो ऊपर वाले में उसमें क्या मान लेते हैं, डब्ल्यू टू, और टोटल में क्या मान लिए, एम आई मान लिए। क्लियर हुआ कि नहीं, लिखना इसी बात को। लेट माना इनफीमा ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक, इन दीज सब इंटरवल्स, इन दीज सब इंटरवल्स आर, पहले में W1, दूसरे में W2 और लास्ट वाला xi माइनस वन से xi, यहां कितना हो गया mi, रिस्पेक्टिवली क्रमशः। W1 किस में होगा, पहले वाले में, W2 किस में होगा, दूसरे में, W3 और ये mi किस में होगा, मेन वाले सब इंटरवल में। इसीलिए इस तरह फिगर में भी दिखा देते हैं। अच्छा ये बताओ टोटल इंटरवल कौन है, ए बी, पूरा इंटरवल कौन, ए बी, ठीक है। और टोटल इंटरवल अगर हम ए बी को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, टोटल ए बी को भूल जाए, तो ये बताओ यहां पर मेरे लिए टोटल इंटरवल कौन है, एक्स आई माइनस वन से एक्स आई, और उस पूरे में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या माने हैं, इस माने भाई, उसके बाद जो दोनों टुकड़े किए उस टुकड़े में एक जगह पर W2 और एक जगह पर W1, तय बात है पूरे इंटरवल में फंक्शन का जो इनफीमा होगा पूरे इंटरवल वही सबसे छोटी वैल्यू होगी, हाँ या ना। तो इसका मतलब जो आपका W1 है वो या तो MI से बड़ा होगा या तो MI के बराबर, मतलब MI less than or equal to W1 और MI less than or equal to W1, क्लियर है, लिखना क्लियर, स्पष्टता क्लियरली, स्मॉल MI less than or equal to W1 और स्मॉल MI less than or equal to W2, किससे मतलब, हाँ क्योंकि मुझको LPF में केवल और केवल MI की जरूरत है, कैपिटल MI तो चाहिए, LPF कैसे निकालते हैं, समेशन स्मॉल MI डेल्टा XI, कैपिटल MI तो चाहिए ही नहीं, तो इसीलिए इनफीमम वैल्यू स्मॉल MI से शुरू करेंगे। नहीं समझा, सुन वो क्या है, मेरे को दो बातें पूछनी है, एक LP स्टार F लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू LP, ये साबित करना है। मतलब पार्टीशन के लिए बनाया गया डरबॉक्स का लोअर सम, इसके पहले जिसका ये रिफाइनमेंट है, ये पी स्टार कौन है, पी स्टार इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी, ठीक है, रिफाइनमेंट के लिए बनाया गया डरबॉक्स का सम मेन पार्टीशन के लिए बनाए गए डरबॉक्स के सम से या तो बड़ा होता है या तो बराबर, ये साबित करना है। तो हमको कौन सा सम निकालना है, लोअर सम, लोअर सम कैसे निकलता है, हम जानते हैं LPF अगर निकालना हो तो कहेंगे समेशन स्मॉल MI इनटू डेल्टा XI, तो कैपिटल MI की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। बाद में जब हम UPF निकालेंगे तो UPF कैसे निकलता है, UPF होता है समेशन कैपिटल MI इनटू कितना, डेल्टा XI, तो UPF के वक्त मुझको जरूरत किसकी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू, और LPF के वक्त जरूरत किसकी, मिनिमम वैल्यू, तो इसीलिए मिनिमम सिस्टम, क्लियर हुआ। ये हटा दूंगा, आप लिखी नहीं अभी, कौन को, अच्छा बन गया, हमको लगा पीछे से कर दिया, अभी हम कहते हैं ना जगह बड़ी अच्छी है, बायो बायो कंपटीशन, वो पढ़ा कंपटीशन बायो कंपटीशन, हाँ वाईफाई नेट का बीच में सैंडविच है, कोई बात नहीं, आप चलो LPF निकालते हैं। सुनो अच्छा ये बताओ
दिमाग से खेलना, दिखाना क्या है पहले उसकी तरफ आओ, दिखाना ये है एलपी स्टार एफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना एलपी, इसका मतलब हमको क्या दिखाना है एक्चुअली में, उसको दिखाना है एलपी स्टार एफ माइनस एलपीएफ, अगर दोनों का अंतर निकाला जाए तो या तो ये अंतर पॉजिटिव आएगा या तो जीरो, यही दिखाना है। आओ चलो ये वाला अंतर निकालें, देखें ये कितना आता है, लिखना नाउ नाउ एल पी स्टार एफ मतलब डरबॉक्स का लोअर सम फॉर द रिफाइनमेंट माइनस डरबॉक्स का लोअर सम फॉर द मेन पार्टीशन पी इज इक्वल टू, दो मिनट मेरे साथ बने रहना। सबसे पहले रिफाइनमेंट की बात करो, रिफाइनमेंट की बात करें तो इसका मतलब हम दो सब इंटरवल में काम कर रहे हैं, किसमें किसमें, हम एक्साई वाले तक काम कर रहे हैं, एक्साई माइनस वन से एक्साई और एक्साई से लेकर के एक्साई। बोलो एलपीएफ क्या निकलता है, एलपीएफ होता है एलपी स्टार एफ समेशन स्मॉल एम आई नाम, बोलो पहले वाले हिस्से में डब्ल्यू वन है तो समेशन डब्ल्यू वन इंटू डेल्टा एक्स आई, आया ना आई वैरी फ्रॉम वन से लेकर के एन तक प्लस समेशन, क्यों प्लस, क्योंकि अभी ये वाला टुकड़ा बाकी है पूरे के पूरे रिफाइनमेंट के निकाल, प्लस समेशन डब्ल्यू टू इंटू कितना डेल्टा एक्स आई, कहां तक आई वैरी फ्रॉम वन से लेकर के एन तक, अब माइनस अब कितना एलपीएफ, यानी माइनस एलपीएफ का मतलब अब हम मेन पार्टीशन, और मेन पार्टीशन के लिए कितना है स्मॉल एम आई, तो स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई, और आई वैरी फ्रॉम वन से लेकर के कहां तक, हाँ या ना निकाल जा सकता है, नोट करो लेकिन दो मिनट रुकना, अरे दो मिनट नहीं हम कहे लिखो तो तुम लोग भाग के देख चालू ना, तुम ये बताओ समेशन मेरा बैठाना सही होगा, समेशन बैठाना सही है, समेशन बैठाना सही है, हम तो केवल एक पोर्शन पर काम कर रहे हैं ना, केवल एक पोर्शन पर, और पोर्शन कौन सा लिए हैं xi माइनस वन से लेकर के xi, मैंने तो पूरा इंटरवल छोड़ दिया, तो जब मैंने पूरा इंटरवल छोड़ दिया तो समेशन में i एक से लेकर n तक कैसे वैरी कर सकता है, समझ आई बात है कि नहीं आई, आप LPF जो भी निकाल रहे हो LP star जो भी आप निकाल रहे हो आप केवल उतने पोर्शन के लिए, इसीलिए वो फिगर अलग काट करके केवल उतने के लिए, तो समेशन बैठाना सही पड़ेगा, तब यहाँ समेशन बैठाने का कोई मतलब नहीं, समेशन तो तब बैठाओगे जब ओवर द इंटरवल ए भी निकालोगे, हम ओवर द इंटरवल ए भी काम ही नहीं कर रहे, अभी तो हम काम केवल कितने हिस्से पर xi माइनस वन से कहां तक करें xi, और वहां मैंने केवल दो टुकड़े मारे, एक टुकड़ा दो टुकड़ा और ये पूरा वाला तीन टुकड़ा, हाँ या ना, आँख नाक कान खोल करके काम किया करो, हम समेशन लगाएंगे तुम भी समेशन लगा दोगे, नहीं लगाएंगे समेशन, सुनो समेशन गलत है लगाना, इसको प्रॉपर वे में इसको सही सलामत क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे देखना दिमाग चलाना, पहला बोलो मिनिमा कौन है डब्ल्यू वन, पहले में तो डब्ल्यू वन इंटू लेंथ, लेंथ कोई बताएगा मुझको एक्स आई माइनस वन से कहा माइनस एक्स आई, समझे, प्लस अगला बोलना अगली लेंथ मिनिमम वैल्यू डब्ल्यू टू, हाँ बड़े वाले से छोटा करना है, सॉरी एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन डब्ल्यू टू, अब की अपर वाले एक्स आई माइनस कितना एक्स आई, अच्छा फिर सुनना आप एल पी एफ क्या माइनस एल पी एफ निकाल रहे हो केवल किस इंटरवल में, स्मॉल एम आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, हाँ या ना, कुछ लिखना हो दो मिनट की वाले से रुके, दिस इज इक्वल टू पूरे को हम मल्टीप्लाई कर, ये हो गया डब्ल्यू वन एक्स आई माइनस डब्ल्यू वन एक्स आई माइनस, पहले समझ लो फिर लिखना वरना सब भूल जाओगे, ठीक, प्लस अगला कौन डब्ल्यू टू एक्स आई माइनस डब्ल्यू टू एक्स आई माइनस एम आई एक्स आई माइनस माइनस प्लस एम आई एक्स आई माइनस वन, हाँ या ना, इतना आएगा, सुनो हम इसमें एक क्वांटिटी जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं जानबूझ करके, हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्लस स्मॉल एम आई एक्स आई माइनस स्मॉल एम आई, ये मैंने जोड़ा और उसी क्वांटिटी को घटा दिया, क्लियर है, ठीक, चूंकि एक्स्ट्रा क्वांटिटी इस केस के नीचे ऐसे बना देना कि पता लगे कि आपने कुछ जोड़ा और कुछ घटाया जानबूझ करके, अब गौर करना दिस इज इक्वल टू, सबसे पहला काम अपने को कुछ ऐसा करना है ना, कुछ ऐसा पेयरिंग बनानी है कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो बना रहे, मतलब पॉजिटिव बना रहे, पॉजिटिव वाला सुनना कैसे करेगा, आप एक काम करो
सुनो ये और ये देखना, दो को इकट्ठे ला, ये दो इकट्ठे आएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, W1 माइनस MI। अच्छा तो एक काम प्लस आ रहा है, तो आप ये बात, तो W1 माइनस MI और बाहर कौन गया, आया ना। आप सुनना, कहीं और देखो, कहीं और W1 माइनस MI बनेगा और XI माइनस XI माइनस 1 बनेगा, देखना कहीं पर होगा पक्का। सुनो बना क्या रहे, अपने W1 माइनस MI कॉमन करेंगे, अंदर बचेगा XI माइनस XI माइनस 1। ये देखो W1 माइनस दिस, और कहीं पर देखो, कहीं पर उनको मिलेगा कौन सा, ये बगल वाला नहीं, XI वाला, ये वाला MI XI, इससे कुछ फायदा मिलेगा नहीं। एक्चुअली इसमें बनाना क्या है, बनाना ये है W1 माइनस MI XI, ये बना। अच्छा अगला बनाना है माइनस W1 माइनस MI XI माइनस 1। तो जब W1 माइनस MI कॉमन आ जाएगा तो अंदर में बचेगा XI माइनस XI माइनस 1 जो कि पॉजिटिव है। किससे किससे बन रहा है, दूसरा वाला और लास्ट दूसरा, ये वाला किसके साथ, लास्ट दूसरा, इसके साथ लास्ट दूसरा, ये दूसरा इसके साथ, तो इनको उठा रहे और इनको, तो कॉमन कर रहे हैं कितना, माइनस XI माइनस 1, माइनस XI माइनस 1 कॉमन किया, ये और ये बाहर गया, अंदर माइनस कॉमन किया तो ये कितना हुआ W1 और माइनस कितना MI। अच्छा एक इनइक्वालिटी अभी लिख लेते, यहाँ से बोलो W1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू MI, तो W1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू MI, तो ये क्वांटिटी कैसी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी कैसी पॉजिटिव। अच्छा दोनों को जब कॉमन कर लोगे तो XI माइनस XI वो भी कैसा पॉजिटिव, मतलब एक हिस्सा मेरा बन चुका है। अब अगला सुनना, जो बचे हैं उनको देखना, नीचे नीचे टिक कर दो, जो लोग एक साथ लाए गए हैं ये टिक हो गए, अब जो बचे हैं उनको एक साथ लाओ, ये आएगा ये आएगा ये आएगा और ये आएगा और यही से मिलेगा। अब अपने को बनाना W2 माइनस MI बनाना है, W2 माइनस MI देखो कहाँ मिलेगा, W2 माइनस MI ये रहा, XI को कॉमन करें, हाँ या ना, तो देखना प्लस W2 माइनस MI और बाहर कौन आया XI आया, ठीक ये हो गया। अब इनको इनको निपटाओ, तो माइनस कॉमन करो कितना XI, ठीक है, अंदर कितना बचा W2 माइनस कितना MI, ये बचा, सहमत हो सारे लोग, अब गौर करना, इसका मतलब हम क्या किए, अब वो ऊपर वाले मतलब नीचे लिख दिए ना, अरे हम पगले हैं, नहीं है प्लस ऊपर लिख रहे हैं W2 माइनस MI इंटू XI और माइनस XI W2 माइनस MI। अच्छा ये बताओ क्या अब यहाँ से W1 माइनस MI, W1 माइनस MI कॉमन कर लें, तो W1 माइनस MI कॉमन कितना बचा XI माइनस XI माइनस 1 ये बचा। अच्छा इधर प्लस W2 माइनस MI और कॉमन किया, अंदर बचा XI माइनस XI। अब ये बताओ W1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू MI, हाँ यार, तो ये कैसी क्वांटिटी पॉजिटिव, मतलब नॉन नेगेटिव करना ज्यादा अच्छा है, ठीक है ये, क्योंकि इंटरवल के लिए ना XI माइनस 1 XI और ये कौन है XI, तो इसका मतलब ये बड़ा और ये छोटा, तो ये भी कैसा पॉजिटिव। अच्छा इनका हाल बोलो, W2 ग्रेटर देन कितना MI पॉजिटिव, इनका हाल देखना XI माइनस XI ये भी कैसा पॉजिटिव, ऑल आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो दिस होल क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वैल्यू एक्चुअल में है किसकी, इनकी, दिस इंप्लाइज दैट LB*F माइनस LP*F is greater than or equal to 0. This implies that LP*F मतलब refinement के लिए तैयार किया गया डर बॉक्स का लोअर सम is greater than or equal to 0. सहमत हो, बस वही जोड़ तोड़ दे, अब नोट कर लो पूरा आराम से पढ़ी।
जो एक साथ लाए जाते हैं ना उनके नीचे तुम अपने हिसाब से सिंबल बना लेना, जैसे तुमको बाद में पता रहे कि इन लोगों को एक साथ लाया हुआ है। नंबरिंग कर लेना 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे ऐसे। एको कर रहे थे अभी, हाँ एको कर रहे थे। हाँ पहले ऐसे ऐड आता था ना, आज आजकल कल ऐसा ऐसा होता आपका ही ऐड है रसना का ऐड आता था, रसना के ऐड में ही छोटी बच्ची तो बहुत पहले आता था, मतलब तब हम शायद आई हो कुछ नहीं तो पांचवी अच्छी पढ़ रहे थे, पांचवी छठवी में आठवीं में इससे ज्यादा नहीं, तब वो करिश्मा कपूर थी और क्या कह रहा है कि क्या जरा सर आप पढ़ते भी थे कौन वही एक काम मुझसे आज तक हुआ नहीं पढ़ते नहीं ग्रेजुएशन ली इसकी जरिए से ले जाइए कोने में इसको तो ठीक है आप इनको समझाए मन से मेरे से पढ़ने वाला काम तो नहीं होता एक तो लोग बचपन में होते हैं ना हर 2 मिनट में अपने ख्वाब बदलते हैं, अब ये करना है अब ये करना है अब ये करना है, अब बड़े होने पे भी अपने ख्वाब बदल रहे हैं, अब ये करना है ये करना है ये करना, तय नहीं करना मेरे को करना है। वो खोल लेगा उसका नहीं खाएगा गलती मत करना, एक को गलती में बाद में मिले मिलेगा नहीं इसको फिर आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जिस चीज से दूर रहो ना वो चीज बड़ा लगता है कि आप ये मिलेगा तो ये करेंगे, ये मिलेगा तो ये करेंगे, ये होता है पैसा ना कमाते रहो तो ये होता है जब पहला अपनी पहली तनख्वाह आएगी तो उससे ये करेंगे वो करेंगे, पहली तनख्वाह आने से पहले खर्चा लगा पड़ा है या आपको ये करेंगे। अब पता है पिछले 3 महीने से हम ये सोच रहे हैं कि कुछ लोग ट्रेडमिल खरीदेंगे, 3 महीने रनिंग वाली जो मशीन होती है जिसपे दौड़ा जाता है, 3 महीने से हम सोच रहे हैं कि कुछ लोग खरीदेंगे लेकिन हम नहीं खरीद पा रहे 3 महीने से, और प्राइस वही है कितने का मेरे ख्याल से स्टार्टिंग उसकी 18,000 से स्टार्टिंग है। ठीक तो हम 35,000 का मोबाइल ले लिए लेक्चर बनाने के लिए, लेकिन अपने लिए जो कहा हम 18,000 के ले पाए कौन नहीं ले पा रहे हैं, चल रहा है तब तक दौड़ना है दौड़ रहे हैं, वो हो जाए तो पता चलेगा हम किलोमीटर बढ़ा लेते हैं 25 किलोमीटर दौड़ना चालू करें आज से। अभी तो पता ही नहीं चलता, अभी तो बस खाली अपना अंदाजा लगाओ यहाँ से कि भाई 3 किलोमीटर जाना 3 किलोमीटर आना 6 किलोमीटर अभी अंदाजा लगाना हो गया आप तो बताना हो गया से कितने बजे जाता कब नहीं हम स्टेडियम जाते कितने बजे जाते वो सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे उठते 4 बजे निकल जाते 4 बजे निकल जाते 4 बजे से दौड़ दौड़ करके उसके आपसे जाना हम लोग अगर 8 बजे सो जाए तो आपको 4 बजे आप आ सकते कौन 8 बजे हाँ तब मिल सकते ना तब मिल सकते और ये नहीं कि मतलब गर्मी रहे तभी ऐसा मतलब ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं बारिश होगी तब पर भी निकल जाए बारिश होगी तब भी निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता बरसता रहे पानी लेकिन यार बारिश में दौड़ने में तो डर लगता है किसी दिन बिजली ऐसे पार कर गई सिर्फ चीफ देख तो डर लगता है बाकी में निकल उसमें भी जाते हैं उसका भी जवाब घर वाले मना भी नहीं सोते कौन मेरा सोने का कोई टाइम नहीं मेरे को 10 बजे नींद आएगी 10 बजे गिर पाएंगे 11 बजे नींद आएगी 11 बजे गिरेंगे नहीं नींद आई तो 12 बजे जगेंगे औसत मेरा जो सोने का है वो 11:30 औसत को ठीक है और वैसे देखोगे तो मैक्सिमम टाइम है 12 बजे मैक्सिमम उठना मेरा 3:30 बजे फिक्स है हटाए जाए इसको नहीं कोई नॉर्मल बंदा मेरे साथ रहेगा तो पागल हो जाएगा
दोनों हो सकता है, क्या पता बस बहुत आगे तक निकल जाए। आगे हम निकल पाए अगला प्रूफ करने चल रहे हैं, हेडिंग डाल देना सेकंड का, सेकंड दिखाने चल रहे हैं, यू पी स्टार एफ इज लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ, मतलब रिफाइनमेंट के लिए तैयार किया गया डरबॉक्स का अपर सम, नॉर्मली तैयार किए गए अपर सम से हमेशा क्या होता है, क्या बराबर होगा, लेस देन आर इक्वल टू, वो उसको एक्सीड नहीं कर पाएगा। आप पता है क्या मानने वाले हैं, टोटल xi माइनस 1 से xi तक ये आपका सुप्रीमम कितना है, कैपिटल पहले वाले पार्ट में सुप्रीमम कितना m1, इसमें कितना m2, अब आपको पता है मैक्सिमम कौन mi, mi इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m1, mi इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m2, क्लियर हुआ, हमेशा याद रखना टोटल इंटरवल में आपके फंक्शन का जो सुप्रीमा होगा वो सब इंटरवल में लिए गए सुप्रीमा से बड़ा या बराबर रहेगा, और टोटल इंटरवल में लिया गया इनफीमा सब इंटरवल में आए हुए इनफीमा से कम या बराबर रहेगा, ये रिलेशनशिप चलती रहती है। अच्छा लिखना, बिल्कुल उसी वाली लैंग्वेज को कॉपी करो, उसकी लैंग्वेज की शुरुआत कहां से की, लेट लिखना, लेट सुप्रीमा ऑफ एफ ऑफ एक्स दी सब इंटरवल्स आर इन these three sub intervals are m1, comma m2 and mi respectively आया ना, तो क्लियरली स्पष्टता क्या बात निकल करके आई, क्लियरली m1 less than or equal to mi, m2 less than or equal to mi, क्लियर हुआ, नोट करो। मेरी हाथ में चोट करने से मेरा एक ख्वाब अधूरा रह गया और वो हमेशा अधूरा रह जाएगा, नहीं तो आइए पूरा करते, मेरे को एक बार अपनी जिंदगी में सिक्स पैक आया, बस एक बार ऐसे देखना, मतलब फील क्या है और बाकी कुछ नहीं ना, फील क्या है, दर्द कितना होगा, लेकिन अब नहीं हो सकता, अब वेट लिफ्टिंग नहीं करना, भारी चीज़ें नहीं उठा सकते, वेट लिफ्टिंग का मेरा मतलब पहले हम उठा, पहले हम 100 तक उठा रहे थे नॉर्मल, मतलब अब ये नहीं है, देखो वो कंपटीशन थोड़ी करो 150-200 उठाएंगे आँख फट के बाहर आ जाएंगे, वो वाला काम नहीं कर पाएंगे, नॉर्मली आदमी नॉर्मल एक्सरसाइज 100 की जो क्या वेट उठाते थे, अभी क्या हो गया, अभी घट गया एकदम से, अभी तो 50 हो गया, अब 50 कराते हैं कब, हफ्ते दो हफ्ते में कभी एक बार, प्रैक्टिस बनी रहे इसके लिए, अदरवाइज नहीं छोड़ दीजिए एकदम से, वो आँख के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जब ऑपरेशन कराए थे बिल्कुल बंद, उसके बाद फिर उठाना शुरू किए, अब ऑपरेशन पता नहीं क्यों फट गया, उसी वजह से फट गया या कुछ और था, मतलब रस्सी भी कूद रहे थे, वेट लिफ्टिंग भी कर रहे थे, आई प्रेशर पड़ गया उसी में, तो उससे फट गया, क्या हो गया नहीं पता चला, लेकिन तब नहीं, अब फट गया, अब जब तक ऑपरेशन करा नहीं ना तब तक डेली उठा रहे हैं, तब तक नहीं टेंशन, तब तक 50 किलो का अपना हो गया, एक बार ऑपरेशन करा के फिर नहीं उठा पाए, फिर छोड़ देंगे, अब की एकदम से छोड़ देंगे, अब दूसरा ऑपरेशन तीसरा नहीं करा है, दो हो गया, क्या झटकी बना है, लेकिन अब क्या है तो है, देखना इसके बाद। अच्छा अब सुनो, अपने को दिखाना क्या उसी पर आते हैं, ये बताओ जब मुझको ये दिखाना था कि एल पी स्टार एफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल पी एफ, तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, और एक्चुअल में इन दोनों का डिफरेंस एल पी स्टार एफ और एल पी एफ इनका जो डिफरेंस था वो कैसा आया, नॉन नेगेटिव आया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अच्छा इसमें देखो क्या होगा, अगर हम इसमें डिफरेंस निकालें यूपीएफ का किसके साथ, यूपी स्टार एफ के साथ, तो बोलो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ये इनको रोको और इसको उधर लेकर के जाओ, तो यूपीएफ माइनस यूपी स्टार एफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो लिखी गई इनइक्वालिटी सही हो जाएगी, क्लियर हुआ, चलो शुरुआत करते हैं, लिखना नाउ यूपीएफ माइनस यू पी स्टार
एफ, जानते हो क्या करने वाले हैं? कोई मेरे को यूपीएफ बताएगा? यूपीएफ आपके मेन इंटरवल पर यहाँ कितना होगा? कैपिटल एम आई इंटू कितना? डिफेंस एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। जानते हो जब आप एक सब इंटरवल पर चीजें पॉजिटिव दिखा दोगे तो सोचो हम आई सब इंटरवल पर इसको क्या दिखा रहे हैं? पॉजिटिव। जब हम इसको आई सब इंटरवल पर पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो इसका मतलब आई बराबर कुछ भी एक से लेकर के कहां तक एन तक, तो यानी हर सब इंटरवल पर ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव लोगों का जोड़ भी क्या होगा? पॉजिटिव। इसीलिए हम समेशन से बचे। समेशन में फंसने का मतलब है पूरी क्वांटिटी डील करना, उससे अच्छा है एक छोटे हिस्से पर डील कर लो। अगर आई सब इंटरवल में आपका ये पॉजिटिव आ रहा है तो हर सब इंटरवल में पॉजिटिव आएगा, तो समेशन जोड़ करोगे तो भी क्या रहेगा? क्लियर हुआ? इसीलिए समेशन का बवाल नहीं पालना है, वो पालना भी मत बिल्कुल। कैपिटल एम आई एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। अब सुनो, इस माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, इग्नोर बोलो यूपी स्टार एफ क्या होगा? यूपी स्टार एफ होगा एम वन इंटू कितना? एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन प्लस, हाँ या ना? यहाँ प्लस भी लगेगा, इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो। तो प्लस अभी लगा रहे हैं, प्लस एम टू इंटू कितना? एक्स आई माइनस कितना? एक्स आई। लेकिन भैया ये माइनस साइन आएगा तो इसको करेगा माइनस, और इस प्लस को भी क्या कर देगा? माइनस। क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत? अब फिर उठाओ और पूरा आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम आई एक्स आई माइनस कैपिटल एम आई एक्स आई माइनस वन माइनस कैपिटल एम वन कैपिटल एम वन एक्स आई माइनस माइनस प्लस कैपिटल एम वन एक्स आई माइनस वन। फिर अगला कौन? माइनस एम टू एक्स आई माइनस माइनस प्लस एम टू। क्लियर हुआ? और क्या जोड़े क्या घटाए? प्लस कैपिटल एम आई एक्साई माइनस कैपिटल एम आई एक्साई। वहां क्या जोड़े थे? स्मॉल एम आई एक्साई स्मॉल एम आई एक्साई बताए थे। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? क्या फिर बैलेंस कर सकते हो? दिमाग में रखना पॉजिटिव बनाना है ना, तो तैयार क्या क्या करना है उन लोगों को पहले बता दो। तैयार करना है एक एम आई माइनस एम वन, एक तैयार करना है एम आई माइनस एम टू, तो ये तैयार हो गए। एक तैयार करना है यहाँ से एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन आया ना, और एक तैयार करना है कौन सा? एक्स आई माइनस एक्स आई, यही तैयार करना है। और देखो कैसे तैयार करना, पहले एम आई एक्स आई और एम आई एक्स आई माइनस वन, मतलब एक तो ये दिखाओ, इसके बाद एक्स आई है ना एक्स आई के साथ एम आई एक्स आई एक नहीं एक्स आई माइनस एक्स आई, तो ये लास्ट वाला दिखाओ। तो कॉमन कर रहे हैं कितना? एम आई अंदर क्या बचा? एक्स आई माइनस कितना? एक्स आई बचा। ठीक है, अच्छा एम वन वाले को लेकर आओ, देखना एम वन एक्स आई एक और कहीं पर पड़ा होगा ना, एम वन का कहीं और पड़ा होगा ये वाला, ये ना, तो इनको बैलेंस करें किसके साथ? इनके साथ। कितना कॉमन करें? माइनस एम वन कॉमन करें तो कितना है? नहीं, एक्स आई है, एक्स आई कॉमन करें, लेकिन एग्जाई काम करने में कोई फायदा होता है। एम आई माइनस एम वन लास्ट, तो एम वन कहाँ कहाँ है? मेरे को दो जगह पर एम वन चाहिए, एक यहाँ पर है, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा इसके साथ बैलेंस करना है। कौन सा? ये तीसरा वाला लास्ट दूसरा एम टू वाला किसके साथ? एक्स आई माइनस एक्स आई लेकर आना पहले। चलो एक्स आई माइनस एक्स आई खोजे कहाँ पर मिलेगा? एक्स आई ये रहा और माइनस एक्स आई यहाँ से, अच्छा माइनस एम टू कॉमन कर लें तो ये हुआ एक्स आई माइनस एक्स आई, ये रहा बैलेंस है। अच्छा अब बारी किसकी? एम वन माइनस एम वन आ गया, अब एम आई माइनस एम टू आ गया। आओ इनको देखते हैं, ये एक दो तीन और कौन सा? ये नहीं है, चार। इन चार को, इन चार का हाल देखो, किसको किसके साथ बैलेंस किया जाए। पहले एम आई का लिखना है, एम आई यहाँ पर है
एक्स आई माइनस वन, एक ये और एम आई यहाँ पर, तो यहाँ से माइनस एम आई कॉमन कर लेते हैं, माइनस एम आई कॉमन, ब्रैकेट में बना एक्स आई माइनस वन लाइक उल्टा कर देंगे ना, केवल प्लस एम आई ही कॉमन करें, तो ये प्लस एम आई कॉमन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा कितना, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, ये बना आया ना। और कौन सा M2 के साथ देखो कौन है, M2 के साथ ये हो चुका है, M1 के साथ देखना है, M1 के साथ कौन मिलेगा, M1 के साथ एक ये है और ये बगल वाला, तो यहां से कितना कॉमन करें, माइनस M1 कॉमन किया जाए, माइनस M1 को कॉमन करो तो बोलो कितना मिलेगा, माइनस एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, ये मिला ठीक। अच्छा बैलेंस हुआ, दिस इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स आई को कॉमन कर लो, तो एम आई माइनस कितना एम टू और ब्रेकेट में कितना आया एक्स आई माइनस कितना एक्स आई, ये हुआ यहाँ पर प्लस एम आई माइनस कितना एम वन और ये कितना एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस बैलेंस। अच्छा पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव, इसका मतलब आल आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी यहां से मिला दिस इंप्लाइज दैट यूपीएफ माइनस यू पी स्टार एफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट यूपीएफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू यू पी स्टार एफ, यही प्रूफ कर रहा है, मतलब वो थोड़ा पलट करके लिखा है यूपी स्टार एफ प्लस देन आर इक्वल टू यूपी एफ, बैलेंस यही करना है, बस दो चीजें याद रखनी है, एक बैलेंस करना और दूसरा कौन सी क्वांटिटी ऐड की जा रही है और सब्सट्रैक्ट की जा रही है, बिना उसको लाए नहीं हो सकता। कंप्लीट कर लो तो आगे बढ़ जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एग्जाम में खूब पूछ लिया, ऐसे देखोगे तो इस तरह है, वैसे कहोगे तो इसका मतलब यही होता है, सिंपल सा रिफाइनमेंट के लिए तैयार किया गया अपर सम, रिफाइनमेंट के लिए तैयार किया गया अपर सम, मेन पार्टीशन के लिए तैयार किए गए अपर सम से क्रॉस नहीं हो पाता, मतलब उसको पार नहीं कर सकता, और नॉन रिफाइनमेंट के लिए तैयार किया गया लोअर सम रिफाइनमेंट के लिए तैयार किए गए लोअर सम से कम बनता है या बराबर होता है, वो उसको एक्सीड नहीं कर पाता। वो सब छोड़ो, आम जिंदगी की भाषा में पढ़ो, जब आप पार्टीशन में पॉइंट की संख्या बढ़ा रहे हो मतलब आप रिजल्ट को सुधार रहे हो, और जब आप रिजल्ट को सुधार रहे हो तो लोअर साइड से आप एक्यूरेट रिजल्ट के नजदीक आ रहे हो और अपर साइड से एक्यूरेट रिजल्ट के नजदीक आ रहे हो, तो अपर साइड से कम होते हुए आओगे और लोअर साइड से बढ़ते हुए, तो कम होते हुए आओगे मतलब रिफाइनमेंट के लिए यूपी स्टार एफ पुराने वाले यूपीएफ से कम बैठेगा और रिफाइनमेंट के लिए एलपी स्टार एफ पुराने वाले एलपीएफ से ज्यादा बैठेगा, क्लियर हुआ, बराबर भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी बची रहती है हमेशा, हो गया उसको एक नोट कराए कंप्लीट करो। अच्छा वो कचर कचर वाला है, इधर उधर पूछो, चार एक साथ ही कराओ, चार एक साथ ही कराओ, चार चार आठ, वैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, छः थे दो अपनी मर्जी से बढ़ाए गए पचास के बैलेंस को, हो गया। Thank you.
अगले बार नोट लिखना। नो इसमें लिखो फॉर एनी रिफाइनमेंट फी स्टार, फॉर एनी रिफाइनमेंट, फॉर एनी रिफाइनमेंट पी स्टार ऑफ कैपिटल पी, प्रूव दैट यू पी स्टार एफ माइनस एल पी स्टार एफ, मतलब रिफाइनमेंट के लिए तैयार किए गए अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस एक्सीड नहीं कर सकता है, लेस देन आर इक्वल टू पार नहीं कर सकता, मतलब या तो कम रहेगा या तो बराबर होगा, इसके नॉन रिफाइनमेंट के लिए तैयार किए गए अपर सम डिफरेंस लोअर सम यू पी स्टार एफ माइनस एल पी स्टार एफ लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ माइनस एल पी एफ, एक दोनों रिजल्ट जो किए उसी से प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ देखना फटाफट, एक तो मैंने क्या पढ़ा, एक क्या पढ़ा यू पी स्टार एफ लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ, सही या गलत? इक्वेशन नंबर पहला हुआ। अच्छा, और एक हमने क्या पढ़ा, एल पी स्टार एफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल पी एफ। अब सुनो, ये जो तुमने दूसरा वाला तैयार किया इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, दिस इंप्लाइज दैट माइनस एल पी स्टार एफ लेस देन आर इक्वल टू माइनस एल पी एफ, हाँ या ना? इसे इक्वेशन नंबर दो कह दो, और यहाँ नीचे वन प्लस टू कर दो। एक और दो को लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट जोड़ो, बोलो ये दोनों बीच वाला खत्म, कितना यू पी स्टार एफ माइनस एल पी स्टार एफ लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ माइनस कितना एल पी एफ, हो गया नोट कर लो, काम खत्म। अभी अभी जो रिजल्ट है उसी का और इसी पर ये काम आज का रोक देना, बाकी बातें फिर कर लेते हैं।